ओमेगा थोड़ा खोल के देखो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने पिछला व्लॉग में देखा होगा कि मैं मुंबई पहुंच चुकी थी। सो अभी जस्ट मैं मुंबई पहुंची हूँ एंड मैंने एक व्लॉग यहीं पे एंड किया। अभी मैं दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ घर। तो मैंने कुछ ऐसा प्लान किया है कि आकाश तो वैसे प्रैक्टिस में गया है, वो आएगा भी शाम को या रात को ही आएगा। तो मेघा तो गई थी कॉलेज के काम से, वो कॉलेज से भी निकल चुकी है। मम्मी से बात हुई थी तो मम्मी ने बताया कि वो निकल चुकी है कॉलेज से। तो मैंने क्या किया है प्लान, मेघा ना जस्ट अभी एक दो दिन पहले ज़ारा से कुछ कपड़े लेके आई थी, दो तीन टी शर्ट वगैरह। तो मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी आप ना मेघा को ऐसे बोलना कि वो ज़ारा से जो तू कपड़े लेके आई ना, तू वो मेरे को दे दे, मैं सब प्रिटेंड करूँगी, वीडियो बनाऊँगी कि मतलब ये मैंने तेरे को सरप्राइज़ दिया है। और मेघा का आँख बंद करेंगे, मतलब मम्मी के वीडियो के लिए मेघा की आँख बंद करेंगे एंड मम्मी वो ज़ारा वाला जो कपड़ा मेघा लेके आई है वो मम्मी एज अ सरप्राइज़ उसको देंगे। ऐसा मतलब प्री प्लान वीडियो बनाने के लिए मैंने ऐसे बोला मम्मी को मेघा के साथ। तो मेघा भी मान गई थी कि हाँ ठीक है चलो बना लेंगे। वही है कि मैं जब पहुँचने वाली हूँगी तो मैं मम्मी को कॉल कर दूँगी, तो मम्मी उसकी आँख में पट्टी बांध देंगी। उसके बाद मेघा को ये लगेगा कि हाँ मम्मी अब अपने वीडियो के लिए मेरे पट्टी बांध रही है एंड ज़ारा का कपड़े दिखाएंगी। बट वहाँ पे ज़ारा के कपड़े नहीं होंगे, वहाँ पे होंगी मैं। वही ये देखते हैं अभी कैसा कैसा रहता है, सिचुएशन क्या होता है। बस ये कि उसको पता ना चले, क्योंकि ना कल रात को जब मैं बस में आ रही थी ना तो उसने मुझे वीडियो कॉल किया। अरे भगवान, मेरे को ऐसा हो गया ना कैसे उठाऊँ ना उठाऊँ। और उस टाइम मैं नीरज से बात कर रही थी, फिर मैंने उठाया नहीं, मैंने बोला रुक जा। फिर उसके बाद मैंने कॉल बैक भी नहीं किया, मे बी उसको शक ना हुआ हो। वैसे शक तो क्यों होगा यार, बट फिर भी देखते हैं अभी जाके पता चलेगा उसका रिएक्शन। एंड गाइस पूरी रात एंड पूरा मॉर्निंग मैं सोई नहीं हूँ, अभी 11 भी बज चुके हैं, इतनी नींद आ रही है ना, इतनी नींद आ रही है, पर जाके सोना नहीं है, इस बार जाके घूमना है। तो यस, अभी देखते हैं कैसा रिएक्शन रहता है मेघा का। तो चलते हैं अभी। इतना अच्छा मौसम हो रहा था, अभी अचानक से इतनी तेज बारिश हो रही है, बाप रे। ऐसे रैंडमली इतना अचानक मौसम बदला है ना, मैं उल्टी थी तेज टपर टपर क्यों आ रही। देखा तो बारिश एकदम से ऐसे जज्बात बदल दिए, रंग बदल दिए वाला बात हो गया। ये तो अभी फिर बंद हो गया बारिश, अभी कम हो गया। मुंबई इज मुंबई, और अभी बारिश बंद हो चुकी है। ये कपड़े मैं लेके आई हूँ, तो मेघा थोड़ा खोल के देखो। कहाँ गई? ओए! देखो गाइस, इतना मेहनत करना पड़ा मुझे आज। मेरे को भी बुला रही थी मुझे बिना हाय गाइस, ओह माय गॉड। हेलो जी। हेलो, कब आई? पत्थर था, पता है। हेलो थोड़ा चेहरा। हाँ दीपक था। हाँ चल बढ़िया। ये आपके ज्वाइन में भेजा है, जब अंदर यही था ऑप्शन, ज्यादा ऑप्शन नहीं था, दुकान में जो मिला वही भेज दिया है। पसंद आएगा कि नहीं आएगा। वाह वाह, अच्छा है। हाँ बढ़िया है।
मस्त है। हेलो भाई, फिर पहन के दिखा देना भाई एक बार, ठीक है? और क्या, रुको अभी दिखाते हैं एक बार, क्या बार बार दिखाएंगे। मेरे लिए? हाँ, तो भेजा ज्वाइन ने भेजा। तूने खरीद के लाई होगी रास्ते से? मैं ये रास्ते से खरीदू, वही कैंटीन का। देख माल नहीं पता चल रहा आपको कहाँ का है। पेट अंदर करने दे, पहले ऐसे में पेट आपके अंदर दिख गया पेट। और क्या, बढ़िया है। थैंक यू ज्वाइन साहब। ज्वाइन साहब नीचे का भी देख लेना अगली बार। लोअर भी देख लेना, लोअर। अरे निकर बने बंदे थे, मालूम ब्रांड दो, एक ही भेज दो, पापा को पता नहीं पसंद आएगा भी नहीं आएगा बने। अरे यार तुम्हारे दिया हुआ गिफ्ट सुई भी वो पसंद आएगी। तो ये है हमारी वहाँ की एकदम फेमस मिठाई जो मैं सबको टेस्ट करवाने वाली हूँ, एंड मिठाई के साथ साथ सबको एक खुशखबरी भी देने वाली हूँ। खुशखबरी है, मिठाई लेके आई हूँ। टेस्ट करो एक बार। ये तो ये नेपाल की मुझसे लाई है। अच्छा है ना, बहुत टेस्टी है ना, बहुत टेस्टी। खुशखबरी ये है कि मैं मुंबई पहुंच गई। वो तो हमें पहले पता चल गया था कि मुंबई पहुंचे। पहुंचने के बाद गिफ्ट देने के बाद, गिफ्ट देने के बाद वो तो और कुछ होगा। तो गाइज जैसा कि आपको पता है मैं पहुंच चुकी हूं मुंबई। मेगा को तो सरप्राइज एकदम मस्त लगा। अभी आकाश का हम लोग कितने टाइम से वेट कर रहे हैं, तो अभी जस्ट हमने आकाश का लोकेशन चेक किया क्योंकि मेगा के साथ आकाश का लोकेशन शेयर है। तो अभी वो पहुंचने वाला है, मे बी यहाँ पे जल्दी ही, मलाड में ही है वो। तो जैसे मैं वहाँ पे अपने पति के साथ आर्मी क्वार्टर में रहती हूँ, वैसे ही हम लोग का यहाँ पे भी ये आर्मी क्वार्टर है। तो एक दो महीने और है यहाँ पे, फिर उसके बाद फिर हम लोग बाहर ही कहीं रहेंगे ना मम्मी, बाहर ही कहीं शायद। अब देखते हैं क्या पता 6 महीने के लिए मिलता है कि नहीं। अगर मिलेगा तो मार्च तक रहेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो फिर अक्टूबर तक, सेप्टेम्बर अक्टूबर में जाएंगे। अच्छा, तो वही अभी आकाश का इंतजार करते हैं। मे बी उसको हिंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं आई हूँ, है ना, बिल्कुल भी हिंट तो नहीं होगा। एंड गाइज दिस इज हमारा प्ले बटन, ये है आकाश का सिल्वर एंड आकाश का गोल्ड, ये मेरा। तो मैं सोच रही हूँ इस बार ये उठा के ले जाऊँ यहाँ से। हाँ, ले जाओ ले जाओ, कोई नहीं, ये आपकी अमानत है, हमने संभाल के रखी है। ओह माय गॉड। तो गाइज जल्दी जल्दी मेरे को अभी गोल्ड दे दो। मेगा जल्दी जल्दी मेरे को गोल्ड दे दो। वैसे हमने सोचा था घूमने जाएंगे मेगा और मैं कहीं ऐसे जाते हैं ये तक, बट फिर अचानक घूमने का प्लान कैंसिल इसलिए हुआ क्योंकि बहुत भयंकर नींद आ रही थी मेगा को। तो मेगा को और खुद को भी, हाँ मतलब मेगा और मैंने बोला चल, हम ना 2 बजे सोए, मैंने बोला चल 3 बजे का अलार्म लगा, फिर 3:30 बजे का लगा, फिर मैंने सोचा चल 3:30 बजे उठ के जाएंगे। 3:30 बजे अलार्म उठा, मैंने बोला मेगा उठ, मेगा बोली दीदी उठ बस, फिर दोबारा सो गए। अलार्म तो इनका बजता रहता है, इसका तो वहाँ से बजता है यहाँ तक सुनता है। मैं यहाँ से फोन करती हूँ, मेगा अलार्म बज रहा है। जब फोन करती हूँ सुबह नहीं किया पता, कब? आज सुबह नहीं, अरे देख कॉल देख, सुबह कॉल देख, फिर मेरे को बता अगर मैंने सुबह किया कि नहीं तेरे को। देख देख है कि नहीं कॉल 6:31। तो वही है, चलो बस आकाश का वेट करते, जैसे आएगा सब और रोएगा तो नहीं, वो तो ऐसा रोने वाला इंसान तो है नहीं। अच्छा कब आई ऐसे करेगा, है ना? पिछली बार इमोशनल हो गया था, बट आज तो एकदम चुआया, एकदम टपकाया नहीं था उसने, बस पूरा आंख जब मैं आई थी ना। अच्छा, भाई दूज के लिए। तो गाइस अभी मैं यहाँ से ऐसे चल के इधर जा रही थी, तो मेगा मेरे को बोली ऐसा इधर का बर्तन दो, मम्मी क्या बोल रहे थे? मैंने कहा चुप, अभी 1 हफ्ता 10 दिन कुछ नहीं, मेरी बेटी सो के खा के फिर जाएगी।
मैं करूंगी उसके बदले काम, ये पूरा कंप्लीट करो सेंटेंस। कौन मैं थोड़े करूंगी, तू अच्छा कर जा बर्तन। नहीं चुप, मैं करूंगी बस, जा बर्तन दो। मैं करूंगी बस, कोई नहीं मैं कर लूंगी, मैं अपने बेटे के लिए अलग ही रूप। नहीं नहीं नहीं, मेरी मम्मी सच में मेरे को काम नहीं कराते ऐसे, मतलब ऐसे पहले कराते थी, अभी थोड़ा सा शादी के बाद मम्मी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है, और अभी तो चिढ़ती थी, काम नहीं करती थी मैं। बीच बीच में बोलती थी मैं ऐसे, तो नहीं हमेशा ही मम्मी ने, मम्मी ने हमको पहले से बहुत काम नहीं कराया भाई, मानती हूँ मैंने, इतना नहीं कराते इतना अच्छा, मतलब मम्मी मम्मी ऐसा है कि मम्मी मतलब खुद करते रहेंगे, लगे रहेंगे, बट हमको इतना नहीं कराते थे। काम तो करती है बट ये कि मम्मी इतना काम नहीं कराती जितना, मतलब ऐसा होता है ना, मम्मी लोग बोलते हैं ये भी कर वो भी कर, इतना हमको नहीं कराती काम, इसकी वजह से तो हम बिगड़े हैं, इसकी वजह से तो हम बिगड़े हैं। फिर ऊपर से सासू माँ भी ऐसी मिली काम नहीं कराने वाली, और बिगड़ गई, और बिगड़ गई लड़की, तो मायके में बिगड़ी थी और ससुराल जाके भी बिगड़ गई, मायके में थोड़ा ज्यादा काम करती थी ये तो और बेइज्जती वाली बात, मायके में ज्यादा करती, ससुराल में कम, असली ससुराल मेरे पलटन में दिखाए मेरे को, पलटन में जाके सबसे ज्यादा काम किया, पर मेरे को वहाँ पे जाके ना काम करने का इतना वो नहीं लगता, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है नीरज के लिए कर रही हूँ। ये रोटी बनाने के लिए कितना वो करती हूँ यहाँ पे, कभी भी मैं जैसे खाना बनाया और फिर रोटी के लिए बोलते थे, इसका ऐसे होता था कैसे बनाऊं रोटी, अभी मैं जैसे देखती हूँ ना, ये जब मैं पूछती हूँ कॉल करके जैसे पूछती हूँ तो बोलती है रोटी। एक दिन मैंने बोला भी, मैंने कहा एक ही साथ 8 रोटी बना के रख दे, बेचारा गरम गरम बनाऊंगी ना। वही तो वही, पहले इतना रोटी मेरे को इतना आलस, और मेरी रोटी फूलती भी नहीं थी, इतना गंदा बनता था मेरे से। अभी मैं नीरज के साथ रह रह के बनाती रहती हूँ ना उनके लिए, तो ऐसा उनके लिए आलस भी नहीं आता बनाने में, ठीक है। कहते हैं प्यार प्यार वही तो थापा जी पता नहीं कहाँ है, ये आकाश का डांस आ गया, मैंने तो देख चुकी हूँ ऐसे फोन में, आप लोग ने नहीं देखा है तो देखिए एंड सपोर्ट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए मेरे भाई आकाश को। तो गाइज हमने आकाश का तो इतना वेट किया, एंड फिर फाइनली मैंने मेघा को कॉल करने के लिए बोला कि कॉल करके पूछ है का वो, फिर मेघा ने कॉल करके पूछा तो बोल रहा मैं इधर आया था बट अब वापस बुलाया है, तो वापस वो प्रैक्टिस में फिर से जा रहा है, तो अभी मैं भी सोच रही हूँ कि मैं उसको वहीं पे प्रैक्टिस पे जाके ही सरप्राइज़ दूँ, क्योंकि वो बोल रहा था मेरे को तो आज लेट हो जाएगा घर आने में, तो देखते हैं। वैसे अभी मेघा और मैं निकले तो है, कहाँ जाएंगे पहले क्या करेंगे वो फिक्स नहीं है, वहाँ पे सरप्राइज़ देने जा भी सकते हैं, जो भी रहेगा आपको आगे दिख ही जाएगा, बट अभी के लिए हम लोग दोनों बहनें निकल चुके हैं, निकल रहे हैं घूमने के लिए। तो हम दोनों बहनें निकल चुके थे अपने छोटे भाई की तलाश में, एंड मैप देख देख के हम जा रहे थे कि वो कहाँ कहाँ पे होगा, लोकेशन देख देख के, बट ये जो मुंबई की ट्रैफिक है ना, ओ माय गॉड, ट्रैफिक के कारण नहीं आधा घंटा हमारा वेस्ट हो गया, इतना ट्रैफिक इतना ट्रैफिक। फिर उसके बाद फाइनली गाइज हमको दिखा हार्दिक का कार, तो मैंने बोला हाँ यहीं पर आकाश होगा, फिर उसके बाद मैं पैदल पैदल जाके मैं गई उसके पास, एंड उसके बाद आप देखना आकाश का रिएक्शन कैसा था। दीदी कवाई आज बाहर तो आले हक तो कर ले, हेलो ए यार तेरे को फॉलो कर करके आ रहे तेरे पीछे पीछे पीछे, कैसे फॉलो मतलब कैसे, गाड़ी बचाना ना चंडीगढ़ का, तू यहाँ कैसे घूम रही थी क्या भाई साहब, भयंकर ही सरप्राइज हो गया, सुबह तो पहुंची 11 बजे, बीच रोड में रोएगी क्या, नहीं तू रोएगा क्या, नहीं नहीं ये तो खुश हो गया यार, उनको पता नहीं था ये आएगी, रो तो ले थोड़ा कंटेंट तो दे दे, कंटेंट तो दे दे चल, मियां नहीं रो रहा, मेरे को अच्छा फील हो रहा है, रोना है वाला फील नहीं हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, चल चल जा, हेलो बढ़िया। तो गाइस अभी हम लोग ऐसे बैठ के इंजॉय कर रहे थे, मैं हार्दिक से पूछ रही थी नेपाली में कि मेरा कितना राम रो नहीं हजुर, तो मतलब वो बोल रही कि तुम कितने अच्छे हो ना, क्वेश्चन कर रही है, मैच मुझे नहीं पता, वो तो आप लोग बताओ, मैं तो बोल रही हूं अच्छे हो ना, अच्छा क्वेश्चन का कर रही, बता रही है, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, मजाक कर रही है वो, बोल रही तुम कितने बुरे हो ना, थैंक यू सो मच, थैंक यू,
यही प्रॉब्लम है यार, यही प्रॉब्लम है। मैं बोल रही चलो हम लोग हार्दिक की बुराई कर रहे हैं यार, पता यही प्रॉब्लम है, मुझे कुछ समझ आएगा नहीं, मैं थैंक यू बोलता रह जाऊंगा। वही तो यार, तीन नेपाली में बात कर रहे होंगे, पता नहीं चलेगा आपकी बुराई हो रही है कि क्या हो रही है। क्या हो रहा है? तो आंखा चाहिए राम रोशन सच्चे। आंखा आंखा चाहिए राम रोशन। अब आंखा आगे क्या? आंखा चाहिए राम रोशन। क्या बोला तो रामरो मतलब अच्छा, न रामरो मतलब नहीं, पहले इसलिए बोला था ना रामरो छा। तू फंसा रहा है मुझे। अभी अच्छा बोला दीदी ने, बोला रामरो छा, अभी ना रामरो नहीं बोला, रामरो बोला। अच्छा अच्छा, तो थैंक यू। क्या अच्छा बोला मैंने? तुम्हारी आंखें अच्छी है। सीख गया मैं। सीख गया। ओके थैंक यू। थैंक यू। इसको मैंने बोला था 40 वाला ड्यू लेके आ, 4 ड्यू लेके आइए। 40 बोला जी ना, 4 मैंने बोला कितना चाहिए, कितने वाला नहीं। चल चल बस ठीक है, मैं पी लूंगी वो भी। रहेगा यहाँ पे बना रही है मेरे लिए। इतने से क्या होगा मेरे को? क्या इतने से? एक पैकेट है, इतने से कुछ नहीं होगा। हाँ तो सही है। चल ठीक है। तो गाइज ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, एंड अभी मुझे जाना है सोने के लिए क्योंकि कल है आकाश का शूट, तो मैं कल शूट में भी जाने वाली हूँ। देखती हूँ अगर कल वहाँ पे शूट कर पाई तो, अगर व्लॉग वगैरह बना पाई तो मैं पक्का शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड मेगा और आकाश का रिएक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइज, बाय।